OMHH Alliance जोटा रही ओडिशा गोटे अलायंस सब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस रो 28th में जोटा की ग्लोबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ता उपरे इवेंट ऑर्गेनाइज करिसेंती हमने जमी जानू कि पीरियड्स हूँ गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया बहुत सारा मिछ अंधविश्वास रोचे कि यही टाइम आम ये जिनसा खाबानी ये जिनसा छुईबानी कि आम भाई को कि बापा को लुचिकी रहा सेमती किसी नाता है यहाँ गोटे गोटे नेचुरल प्रोसेस अटे ये विषय में खाली झील जानव माँ मैंने जन ता नुए जब पुओ मैंने जानते भाई मैंने जानते से आहरी सचेतन हो पारे और से आहरी आम कोऑपरेटिव करेंगे पुओ पा कह कि बापा हो कि भाई हो कि माँ कहती ना बापा पाखक जा कहनी कि भाई को कहनी किंतु मुझे जान ली ना से सब कि न था समस्ते जानवा दरकार पीरियड्स पॉवर्टी कौन कहीं लोक मेरे एक्सेस ना टू द मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट और कमी एक्सेस आसपार एक्सेस आसला सेफ डिस्पोजल करपर आलोचना करवा दरकार जो टैबू सब रही पीरियड्स को लेकिन जो सब भूल धारणा भ्रांत धारणा रही जो कुसंस्कार रही आम दूरे दरकार बाहर करवा दरकार एवं मेंस्ट्रुएशन वार्ड आम भल भाव उच्चारण करुचे एवं आज दिन मेंनेक अंचल लोक अच्छा जो मैंने पीरियड्स वार्ड यूज करती कोड लांगुएज यूज करती ठारे कहते जे आपण भी शुणी जे असुविधा कि किसी गोटे होती कहती तो आज दिन में आमको गोटे टाबू फ्री वे गोटे या गोटे एनवायरमेंट सृष्टि कराया पड़ो जो आम बिना कौन संकोच बिना कौन द्विधारे आम जमी कथापर पीरियड संपर्क में इनडेप नलेज विशेष ना कह रे एटा उभय आसपेक्ट वुमेन मेन आमर ट्रांसजेंडर्स अदर जेंडर्स जहाँ भी कहा जाए तो समस्त विशेष ताप ज्ञान ना ओपन डिस्कशन रहा कथा पीरियड जोटा गोटे नैचुरल साइंटिफिक प्रोसेस से हिसाब से एक्सप्लेनेशन करवा कथा बॉडी चेंजेस कौन कौन हुए नॉट जस्ट फिजिकल इफेक्ट कौन कौन रुहे मानसिक चाप के पड़ी था सोसाइटल प्रेशर्स के तो सब आस्पेक्ट रू आमको डिस्कशन और नॉलेज ये करा को पड़ो झीटा जो मैच्योर है सी मैच्योरिटी पाइलापर ताकि जो खाद्य दरकार जो परिष्कार परिच्छनतार जो अवेयरनेस दरकार तार राइट्स कौन अच्छे से विषय में केवे आलोचना हुए कि सी गोटे बढ़ाला मैंने छुआ जन्म कर जद्र है भाया से ही हिसाब से देखा जाए झील गोटे मनीष तार गोटे अधिकार अच्छे से कमी फ्री में बुलब फ्री में रलर रही चिंता कराए ऋतुटा आसूस जाना कथा आसूच जरायु भितर ये रक्तटा विकस मेमन सहित बाहर को फेरण होेणुक जरायु से समय पूरा खुला रही था जरायुर मुहटा पूरा खुला रही था जोटा कि बाहर जेकोसी प्रकार संक्रमण जरायु भितर को गति करें सुरक्षा पाया परिष्कार परिच्छनता निहाती दरकार आम आगर पुरुष महिला अलग अलग कहूँ कितु आम एवं पीरियड फ्रेंडली टॉयलेट हिसाब से कथ हो जोटी जो शौचालय सब अच्छी स्कूल हो कि पब्लिक बिल्डिंग हो बा हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गवर्नमेंट ऑफिसेस हो कि प्राइवेट ऑफिसेस रे भी इवन जे महिला मानक पई सेपरेट टॉयलेट प्राइवेसी पई एडिक्वेट रनिंग वाटर तंकर हाइजीन पई सोप एंड डिटर्जेंट हैंड वॉशिंग पई ता सहित जो सैनिटरी एब्जॉर्बेंट से माने यूज करछंती ताकू ठीक भाबरे केमती डिस्पोज करि पाइबे तार भी बंदोबस्त रहिबा दरकार आमर गोटे जो अप्रोच अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो जोरथरे आमे कहूचू लिविंग नो वन बिहाइंड कहीं जिते आप देखिए स्त्रीलोक मैंने काम करने को बाहर यही चार दिन कि पाँच दिन तर असुविधा होटा आमको जानवा कथा आजा कथा बहुत भल कथा मेन्सुरल हाइजीन पिला पैड जोगे दि जाऊँगी सो दैट दे कैन कम टू द स्कूल से मैंने असुविधा न हो किंतु तार डिस्पोजल कौन से मैंने चिंता करा ना द्वितीय तृतीय जिनस हूँ जो चॉइस ऑफ ऑप्शंस कौन से मैंने व्यवहार करें मेन्सुरल कप व्यवहार करें कि आम जो एनवायरमेंट विषय एत फोकस करुचु इट सुड बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रडक्ट मेन्सुरल हाइजीन कप व्यवहार करवा पैड इज नॉट द ओनली सल्यूशन मेन्स्ट्रुएशन मेन्स आरंभ है मात्रे के जो चेंज गुड़ाक हुए मेनोपॉज रे पुनी बॉडीटा चेंज हुए आ जेहेतु सेटा वयस काल रे हेई थाए ता सहित केतेक मानसिक ओ शारीरिक चेंज हुए तो एई चेंज गुड़ाक
ଆମର ଜାଣିବା କଥା କେଉଁଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳେଇବା ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ ବଦଳେଇବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ମେନୋପଜ୍ର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ମେକିଂ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଏ ନର୍ମାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ତା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱି ଆର୍ କମିଟେଡ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାଇ 2030 ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅ ନର୍ମାଲ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦରକାର। ମିଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଥଟ୍କୁ ମାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ, ତେଣୁକରି ମିଡ଼ିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସେଭ୍ ଦେଇପାରେ। ସେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସେଭ୍ ଦେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ। ମିଡ଼ିଆ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରେଡ଼ିଓ ହେଉ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ଖୋଲା ଭାବରେ ନିଜର ମତ ରଖିବା ଦରକାର। ସେଇଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଗ୍ନିଟାରିଜ୍ ଥିଲେ, ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଥିଲା ନିଜର ଫେଲୋ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଲେ। ଇଭେନ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଆମର ସ୍ଲମ୍ସରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସେସନ୍ଟା ଓପେନ୍ ଥିଲା। ସୋ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଅନ୍ ମେନ୍ସଟ୍ରେସନ୍କୁ ରିଲେଟେଡ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ରହିଛି।